बिल्कुल आप वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। वीडियोस आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल क्रिएट कर सकती हैं। अगर आप अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पाते हैं तो आप वीडियोस देखना बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगी। आज कुछ ऐसे कपल हैं जो कि काफ़ी दिनों से ट्राई कर रहे हैं, जिनको मान लीजिए कि एक दो महीने ट्राई करते हुआ है, या फिर जिन्होंने पहली बार मेरे चैनल को देखा है, अभी जस्ट शुरुआत ही की है, या फिर अभी बस शादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो वो टिप्स को फॉलो करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने हर चीज़ कर ली, हर मेहनत, हर एफर्ट कर लिया, कुछ काम नहीं आया और रिपोर्ट्स भी आपके नॉर्मल हैं, तो एक चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है। आज की इस वीडियो में सारे डिस्कशन करेंगे। वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माई वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत है। तो वो एक चीज़ क्या है? वो एक चीज़ है आपका लिया हुआ स्ट्रेस। जब पति पत्नी बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, जब वो रिलेशन प्लान भी करते हैं, तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ रहती है कि बस बेबी प्लानिंग हो जाए, इस मंथ में कंसीव हो जाए मेरी वाइफ का। और वाइफ भी सोचती हैं कि बस इस मंथ में कंसीव हो जाए, उसके आगे पीछे ना कुछ सोचना है, ना अपनी फैमिली लाइफ को एंजॉय करना है, ना हस्बैंड को थोड़ा इतना केयर करना है जितना आप पहले करती थी। तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं आपकी रिलेशनशिप के भी ऊपर आती हैं। स्ट्रेसफुल तो होता है, और जब पूरा स्ट्रेसफुल अगर माहौल रहेगा तो पति पत्नी के बीच में जो झगड़े हैं वो भी बढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आप सारी चीज़ों को एकदम स्किप कर दीजिए। क्या घरेलू उपाय कर रहे थे, क्या आयुर्वेदिक उपचार कर रहे थे, किस तरह के लक्षणों को मैच कर रहे थे, 20वें दिन के बाद से आपको क्या नहीं करना चाहिए, इम्प्लांटेशन, ओवुलेशन, सब कुछ भूल जाइए। क्योंकि आज से 20 साल पहले भी बच्चे हुआ करते थे, 25 साल पहले भी बच्चे हुआ करते थे, और एक 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 महिला के मिनिमम एक बच्चे, दो बच्चे और उससे ज़्यादा भी, 3-4 भी बच्चे हुआ करते थे। तो आखिर वो इतनी जल्दी कंसीव कैसे कर जाती थी? क्योंकि उनके पास कोई साधन नहीं हुआ करता था, उनको इतनी जानकारी नहीं हुआ करती थी, ना ही उनकी जीवन शैली इतनी ख़राब थी। जो जीवन शैली आज है वो पहले के ज़माने में इतनी ख़राब नहीं हुआ करती थी। ना ही जंक फूड का बहुत ज़्यादा चलन था, ना ही लोगों को मोटापा चढ़ता था, ना ही किसी PCOD का नामो निशान था। ये सब हमारा माइंड गेम है, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही हमें दिखता है, वैसा ही हम पाते हैं। तो आपको ये सारे स्ट्रेस को एक जगह रखना है, कुछ भी चीज़ें जानने सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक चीज़ सिर्फ आपको जानने की ज़रूरत है, वो है आपका पीरियड का डेट। जिस दिन आपका पीरियड आता है उसको आप नोटिस करिए, और अगला पीरियड कब आता है वो भी आपको 2-3 साइकिल में पता चल जाता है कि आपका एक्सपेक्टेड ओवुलेशन का दिन कौन सा होगा। क्योंकि ओवुलेशन को आप नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि ओवुलेशन ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि उस टाइम पे शरीर से अंडा रिलीज होता है। अंडा रिलीज होगा और उसके बाद ही आप सही टाइम पे प्लानिंग करेगा तो ही आपकी प्रेगनेंसी रुकेगी। तो ओवुलेशन का ख्याल आपको बस होना चाहिए, बाकी आप सारे उपचार, सारा सब कुछ आप भूल जाइए। किसी की भी वीडियो मत देखिए, कुछ मत देखिए। अगर आप देखना चाहते हैं तो एंटरटेनिंग कोई वीडियो देखिए। अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हैं तो वीडियोस देखने की भी ज़रूरत आपको नहीं है। स्ट्रेस अगर है, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रही है, तो बस आप अपने घर के कुछ काम भी बंद कर दीजिए। क्योंकि अगर आप दिन भर वही सेम मोनोटोनस काम करते आ रहे हैं, कुछ भी मतलब लाइफ में कोई नयापन नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, तो आपकी लाइफ बोरिंग हो रही है। उसको नया बनाने का काम आपको खुद ही करना है। अब पति पत्नी दोनों के बीच की मैं बात कर रही हूँ, तो हस्बैंड वाइफ को उस तरह से रहना है जैसे आपकी नई नई शादी हो। जैसे कि घर के कामों में आप इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, आप देखते ही नहीं हैं कि शीशे में आपकी शक्ल कैसी दिख रही है, आप कैसे लगने लगे हैं। जो आप 5 साल पहले दिखाई देते थे वो आज कैसे लगने लगे हैं। आपके पास जितनी भी खूबसूरत ड्रेसेस हैं, साड़ियाँ हैं, सलवार कमीज है, अच्छी तरह से ड्रेसअप होइए, बहुत अच्छा मेकअप करिए। लोगों को जो भी बोलना है बोलने दीजिए, क्योंकि अगर आप लोगों की बात सुनिएगा तो अपनी बात आप कभी भी नहीं सुन पाइएगा। तो आप अपने मन की करिए, और हस्बैंड से भी ये बात बोल दीजिए कि बच्चे के बारे में करीब 2 से 3 महीने कोई भी डिस्कशन हम दोनों के बीच में नहीं होना चाहिए। कोई आस पड़ोस की आंटीज़ हैं, कोई महिलाएँ हैं, कोई बच्चे के बारे में बोलती हैं, एक कान से सुन के दूसरे कान से आपको निकाल देना है, क्योंकि उनकी बातें आपके लिए अभी मैटर नहीं करती हैं। अगर आप स्ट्रेस हैंडल नहीं कर सकती हैं तो अपने इस जो माइंड सेट है उसको एकदम चेंज कर दीजिए। मुश्किल होगा, एक दिन मुश्किल होगा, 2 दिन होगा, 3 दिन होगा, आप 10 दिन ये चीज़ें करके देखिए, आपका लाइफस्टाइल यूं बदलेगा। मैं ये बहुत ही पर्सनल तौर पे कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं तो स्ट्रेस से क्या होता है कि पीरियड मान लीजिए कि आपकी 2-3 दिन एक्स्ट्रा हो गई, कई बार क्या होता है कि 5 दिन एक्स्ट्रा हो गई, कई बार जल्दी आ गया, तो उससे क्या होता है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होने के बजाय और ज़्यादा बढ़ेगा।
जब ज़्यादा बढ़ेगा तो और चीज़ें और बिगड़ेगी। मान लीजिए कि पीरियड साइकिल और बिगड़ जाएगा क्योंकि हार्मोन तेज़ी से बदल रहे हैं। आपके हंसने से लेके आपके कोई भी एक्टिविटीज़ का जो बहुत बड़ा रोल होता है वो होते हैं आपके हार्मोन। तो आप कुछ भी चीज़ें कर रहे हैं, छोटी सी आपको लगेगा कि चलो स्ट्रेस है, एक छोटी सी बात की स्ट्रेस है, लेकिन कल को हो कि वो चीज़ें और बड़ी हो जाएंगी, चाहे घरेलू स्ट्रेस है, पति पत्नी के बीच की स्ट्रेस है, ससुराल वालों की स्ट्रेस है। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जब स्ट्रेस में ज़्यादा आती हैं तो आपके हार्मोन बिगड़ते हैं। हार्मोन बिगड़ेंगे तो मान लीजिए कि खुदा ना खास्ता किसी महिला को थायराइड की भी प्रॉब्लम आ गई, किसी महिला को PCOD की समस्या बनने लगी, कोई सिस्ट अगर छोटा सा बन रहा था तो बाद में वो सिस्ट बड़ा बन गया, पता चला कि AMH की वैल्यू कम है, या तमाम तरह की चीज़ें आपकी स्ट्रेस की वजह से आती हैं। तो जैसे पहले यानी कि 20 से 25 साल पहले जिस तरह से महिलाएं रहती थीं, अपने कामों में बिजी रहती थीं, खुश रहती थीं, जैसे भी रहती थीं, आपको थोड़ा सा उस लाइफस्टाइल को अपनाना पड़ेगा, चाहे वो आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल हो, स्ट्रेस फ्री लाइफस्टाइल हो, थोड़ा अपने आप को बिज़ी करिए, कुछ ऐसी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में बिज़ी हो जाइए जिससे कि आपका माइंड बहुत ही ज़्यादा उस एक पर्टिकुलर चीज़ से हट जाएगा। बेबी की जितनी भी आपने फ़ोटोज़ वोटोज़ लगाई हैं सब कुछ अभी रिमूव कर दीजिए, कुछ भी मत सोचिए। यकीन मानिए दोस्तों, मुझे मतलब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये सारी बातें बकवास हैं, आपने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी बात कही थी तो अब ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं ये एकदम अंतिम स्थिति की बात कर रही हूँ कि जो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि एक मोनोटोनस सी लाइफ हो गई है, मतलब एक सैचुरेशन पॉइंट आती है कि आपने हर एक वो मेहनत कर ली और उसके बाद आपको सफलता नहीं मिल रही है। तो उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं कह रही हूँ कि जिन कपल को एकदम सैचुरेशन हो गया है, इसके बाद वो कुछ भी नहीं उनको हाथ लग रहा है, कोई सफलता नहीं मिल रही है, तो ये टिप डेफिनेटली काम आएगी। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे मतलब होता है ना, जवान पे सरस्वती वास करेगी और आपका गर्भधारण होगा। सिर्फ अगर आप इस टिप को फॉलो करिएगा तो 1 से 2 महीने के अंदर आपको गर्भधारण होगा। हस्बैंड के साथ कुछ प्लानिंग करिए, कहीं घूमने जाने की प्लानिंग करिए, कहीं अगर मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से आप बहुत ज़्यादा कहीं बाहर नहीं जा पाते हैं, टाइम को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, तो एक दूसरे के साथ थोड़ा रोमांटिक टाइम भी एंजॉय करिए, क्योंकि ये जो पल हैं ये दोबारा नहीं आने वाले हैं। अगर आज के आज अगर आपको कंसीव हो जाता है तो आप सिर्फ और सिर्फ बच्चे के बारे में सोचिएगा और आपका जो कपलहुड है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएगा। तो सबसे पहले जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, कपलहुड को आप एंजॉय करिए। आप देखिएगा कि 1 से 2 महीने के अंदर आपको कंसीव भी होगा, और जब अगर कंसीव होगा तो आप पेरेंटहुड में जाइएगा तो वो एक अलग फीलिंग होगी। तो अपने लाइफ को, अपने माइंड को थोड़ा सा डेविएट करने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क करती है दोस्तों। मैं खुद एक पर्सनल तौर पे ये सारी चीज़ें आपको बता रही हूँ। जिसको भी आपको जो भी बोलना है, जो लोग हैं ताने मार के जाएंगे, कमेंट करके जाएंगे, आपको उनकी बातें नहीं सुननी है, सिर्फ अपने मन की बात सुनिए, थोड़ा रिलैक्स होइए, और यकीन मानिए दोस्तों 1 से 2 महीना, बस ये बात मेरी आप गांठ बांध लीजिए कि 1 से 2 महीना उसके बाद आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। बस मेरे दिल से यही दुआ है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर भी कर दीजिएगा। काफ़ी दिनों से अगर परेशान है तो आपको शेयर ज़रूर करना चाहिए, उनको मेरी वीडियो ज़रूर काम आएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माई वर्ल्ड।